तो वही दोस्तों लेकर आ गए हैं आप लोगों के लिए एक एक्शन से भरी हुई वेब सीरीज। तो कृपया करके हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कीजिए लाइक शेयर और नीचे प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। कहाँ बे नेवी स्टार सी, सुनने में आया था कि तू मेरे साथियों को धमका रहा है ताकि तुम मुझसे मिल पाए, लेकिन आज ये कोबरा तेरी ये ख्वाहिश भी पूरी करने जा रहा है। आ जा बे आ जा, आज कोबरा स्वयं तुझसे मिलने आया है। बोलो कोबरा, क्यों मुझे याद कर रहे थे? तुम्हें क्या लगा तुम मेरे से बच जाओगे? तुमने जो हमारे साथ किया है ना, कहते हो हमारे रक्षक को, लेकिन तुमसे बड़ा भक्षक कोई नहीं है इस फ्री फायर में। तुम क्या जानो कि रक्षक और भक्षक में क्या अंतर होता है? मैंने इस सिटी की रक्षा का कर्तव्य लिया है और मैं इसे अपने मरते दम तक निभाऊंगा। अच्छा ये बात है, लेकिन जब तुम्हें हमारी जरूरत थी हमें तब तुम आए नहीं, और अब देखो ज्यादा बकबक कर रहे हो कोबरे। तुम्हें क्या लगा तुम ऐसे करके मुझसे बच जाओगे? चुप हो जा बे चुप हो जा, मैं हमेशा अपने देशवासियों की रक्षा के लिए आता हूँ। ऐसा कोई समय नहीं होगा जब उन्होंने मुझे पुकारा होगा और मैं आया ना। ऐसा नहीं है, ये उस टाइम की बात है जब मैं अपनी नौकरी करके घर के तरफ जा रहा था। तो मैं क्या लगा तुम हमसे बच जाओगे? हे हा हा हा, नहीं वे नहीं, तुमने हमसे पंगा लिया है ना, तो अब इसका अंजाम भी भुगतोगे तुम। हमें बख्श दो भाई, हमें बख्श दो। अरे जल्दी चलता हूँ यार, आज तू जल्दी से नौकरी करके आ गया हूँ। अरे वहाँ क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? तुम्हें छोड़ दिया तो वो हमें नहीं छोड़ेगा, इसलिए जलो मेरी आग में। अरे ये क्या कर दिया बे, ये कौन है? अरे ये क्या कर दिया बे, मर गया, भागो यहाँ से, कहीं मुझे भी न मार डाले ये। जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलता हूँ, दिन प्रतिदिन यहाँ फ्री फायर में आतंक बढ़ ही रहा है कम होने के अलावा। पता नहीं वो कोबरा भी कहाँ है, वो भी नहीं देख रहा है क्या ये सब जो आतंक हो रहे हैं? पता नहीं यार, जल्दी से जल्दी माँ के पास चलता हूँ, वो क्या कर रही होगी। अरे माँ, अरे माँ उठो ना, देखो मैं आ गया हूँ माँ, नौकरी करके आ गया हूँ माँ। अरे बेटा बेटा राम, तू आ गया? हाँ माँ मैं आ गया हूँ। अरे माँ, इस फ्री फायर में पता नहीं क्या हो रहा है, आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, एक आदमी ने मेरे सामने एक आदमी को मार डाला माँ। अरे बेटा तुम चिंता मत करो, तुम तो ठीक हो ना, ऐसे लफड़ों में मत पड़ा करो, तुम्हें कितनी बार कहा है ये सब कुछ कोबरा का काम है, वो देख लेगा इन सभी को क्योंकि वही हमारा रक्षक है ना। अरे माँ लेकिन वो भी नहीं आया ना, पता नहीं कहाँ था कोबरा, मैंने बुलाया भी था कोबरा को। बेटा उसे भी कोई जरूरी काम होगा। अरे ये क्या हो रहा है? तुम्हें क्या लगा तुम हमसे बच पाओगे? नहीं बे नहीं, हम जानते हैं कि तुमने हमें देख लिया है, अब तुम भी मरोगे हमारे हाथों से। अरे ऐसा मत करो, वैसे भी कोबरा तुम्हें छोड़ेगा नहीं अगर तुमने ऐसा किया तो। अबे डरा किसे रहा है बे, तू शायद हमें जानता नहीं है, हम कोबरा को भी मार देंगे क्योंकि अभी तो बस हमारी शुरुआत होने वाली है, अगला नंबर उसी का ही है, लेकिन पहले तेरे बारी। अरे ऐसा मत करो माँ, तुम जाओ यहाँ से। ऐसा मत करो, मेरी बेटी को छोड़ दो मेरी बेटी को, चाहे उसके बदले मेरी जान ले लो। नहीं माँ तुम जाओ यहाँ से। अच्छा बुढ़िया, अरे क्या कर रहे हो? नहीं अरे ऐसा मत करो, अरे ये क्या कर दिया तुमने? अरे मर गई ना बुढ़िया, मैंने पहले भी कहा था कि हमसे पंगे लेने वाला कोई नहीं बचेगा, और अगर साले तूने मुंह खोला ना किसी भी के आगे तो तेरी माँ की तरह तेरा भी हाल होगा, तेरी माँ के कहने पर तुझे जाने दे रहा हूँ। अरे ये क्या कर दिया, मेरी माँ को मार डाले साले ने, हे भगवान मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, और ये कोबरा हमारी मदद क्यों नहीं कर रहा है, इतना तंग फैर रहा है फ्री फायर में फिर भी वो हमारी मदद क्यों नहीं कर रहा है कोबरा? अरे इतना तंग झेल लेने से अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं, मुझसे अब ये और दर्द झेला नहीं जाता है, मेरी माँ को मार दिया सरेआम, और पता नहीं क्या क्या होगा,
इससे अच्छा मैं अपने प्राण ही त्याग दूं तो वो सही रहेगा सभी के लिए। अरे ये क्या हो गया, ये कौन बल गिरा है नीचे, लगता है इसे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है। अरे बालक उठ जाओ, उठो बालक, तुम्हारा समय नहीं आया है अभी तक, उठ जाओ। ओम भीम पाठ स्वाहा, उठ जाओ। अरे मैं तो मरने वाला था ना, ऊपर इतनी दूर से गिरा हूँ फिर भी कैसे बच गया बाबा। बालक तुझे सघोरी ने बचाया है क्योंकि तेरा समय नहीं आया है अभी तक, मैं तुम्हें शक्तियाँ देता हूँ जिससे तुम्हारे सारे दुख मिट जाएंगे। अरे ये क्या कर दिया बाबा तुमने? ये है बालक का घोरी की शक्ति, हमने ही तुम्हें ऐसा बनाया है। अरे बाबा आखिरकार तुमने मुझे इतनी शक्तियाँ क्यों दी है? बाबा अगर तुमने शक्तियाँ दी है ना तो मैं इस शहर की रक्षा करूँगा, क्योंकि कोबरा से तो कुछ नहीं होगा, लेकिन उससे पहले उस कोबरा को बताना पड़ेगा कि यहाँ क्या क्या हो रहा है और वो अपनी अयाशियाँ कर रहा है। छोड़ूंगा नहीं मैं अब उसको भी। यार आज का दिन तो देखो कितना शानदार है, शांति ही शांति है यहाँ पर। तो यहाँ मिलेगा मुझे जो कोबरा से मिला सकता है मुझे आदमी, यहाँ तो काफी बच्चे कह रहे हैं, पता नहीं कहाँ पर होगा वो। अरे तुम में से कौन है जो कोबरा को जानता है, कौन है वे? अरे मैं हूँ भाई, मैं जानता हूँ कोबरा को, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। क्या तुम्हारा दोस्त है क्या वो? हाँ हाँ सही सुना, क्यों क्या काम था तुम्हें, तुम्हें भी कुछ मदद चाहिए क्या? हाँ मुझे मदद चाहिए, उस कोबरा को बोल देना कि नेवी स्टार सी आ गया है उसे मारने, अब वो उसे छोड़ेगा नहीं, मार डालेगा। ओह तो तुम्हें उसे मारने आए हो, कोई बात नहीं, जब कोबरा आएगा ना तो मैं उसे कह दूंगा, तुम्हारी लड़ने की इच्छा भी मैं पूरी कर दूंगा। हाँ बोल देना वे। हे ये कहाँ गया? तो इस कारण कोबरा मैं तुम्हारे पीछे पड़ा हूँ, तुम्हें खत्म कर दूंगा क्योंकि तुम हमारी रक्षा नहीं कर रहे हो। ऐसा रक्षक भी कहाँ लगाना है जो हमारी लोगों की रक्षा ही नहीं कर सके। मुझे माफ कर दो मेरे भाई, लेकिन उस समय मैं पोगैट्री हो गया था क्योंकि वहाँ सिविल वॉर चली थी, अगर वहाँ नहीं जाता तो लाखों लोग मारे जाते। अब तुम ही कहो मैं सिचुएशन में क्या करता, तुम्हें देखता ये लाखों लोगों को। अरे कोबरा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा है कोबरा, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत गलत किया है तुम्हारे साथ। माफी मांगने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, क्योंकि तुम्हें उतना ही अच्छा लगा जितना तुमने देखा था, इसलिए तुमने मेरे बारे में इतना ना जानकर ये मन बना लिया था। लेकिन तुम्हारी माँ को जिसने मारा है ना, अब उसे सबक सिखाओ, माफी मांगने से कुछ नहीं होगा, मुझसे पहले तुझे उसका ही सिर काटना चाहिए था। सही कह रहे हो कोबरा तुम, अब उस फ्लेम बॉय को छोड़ूंगा नहीं मैं, ठीक है मेरे भाई मैं चलता हूँ। जाओ जाओ बतला लो अपना। ये तो चला गया, लेकिन मुझे भी अभी कुछ जरूरी काम करने बाकी है, इसलिए मेरा जाना भी जरूरी है यहाँ से। अभी तो फ्री फायर में कुछ नहीं है, लेकिन सुना है कि कल्हारी में न्यू कोई करेक्टर आया है जो कि बहुत ही आतंक मचा रहा है, देखता हूँ कोई गोस्ट क्रिमिनल आया है, कहते हैं कि उसने चोरी की है, सारे बैंकों को लूट लिया है, वैसे ही कल्हारी कंगाल थी, उसके आने से और भी कंगाल हो जाएगी, लेकिन उसे मैं छोड़ूंगा नहीं, आ रहा हूँ बे गोस्ट क्रिमिनल में। अरे बॉस से बोलकर अपनी सैलरी बढ़ाऊंगा मैं, कब तक उनके लिए इतना सब कुछ सहूंगा, बॉस सैलरी नहीं बढ़ाते हैं क्या करें। तो यही है वो फ्लेम बॉय काटा, छोड़ूंगा नहीं उसे मैं। फ्लेम बॉय कहाँ छिपा है वे कुत्ते, सामने आ, कहाँ पर है वे तू? अबे अबे क्यों चिल्ला रहा है वे कुत्ते, रुक आता हूँ मैं, साले पता नहीं कहाँ कहाँ से उठकर बॉस से मिलने आ जाते हैं, इन्हें पता नहीं कि बॉस इन तटकुंजियों से नहीं मिलते, क्या बात है वे? तू फ्लेम बॉय है क्या वे कुत्ते? अबे उनसे मिलने के लिए पहले तुझे मुझसे होकर जाना पड़ेगा वे पनौती। अच्छा ये बात है,
तुम जैसे बच्चे भी हमें धमकी दे रहे हैं अब। अबे बड़ा बोल रहा है, सूट बूट में आया है तो क्या मैं डर जाऊंगा बे? ये गोली मैंने दिखाने के लिए नहीं रखी है, इसे जला दूंगा ना। अच्छा ये ले बे। कोबरे शिशु की शक्तियां मांग के लाया था मैं कि मुझे कुछ शक्तियां चाहिए ताकि मैं इन कुत्तों का खात्मा कर सकूं। करती है इसका खात्मा तो अब वो फ्लेम बॉय कहाँ होगा? तुम्हें क्या लगा तुम मेरे साथी को मार लोगे और मैं चुपचाप से देखता रहूंगा? नहीं बे नहीं, तुमने मेरे साथी को मारकर बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन इससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिरकार तुम हो कौन और तुम्हें मेरे अड्डे के बारे में पता कैसे चला? फ्लेम बॉय तुम्हें शायद याद नहीं होगा, तुमने एक बेटे से उसकी माँ को छीना था। मैं वही बेटा हूँ जो मरने जा रहा था, लेकिन एक साधु ने मुझे अपनी शक्तियाँ दी है ताकि मैं तुम जैसे कुत्तों का खात्मा कर सकूं जो इस शहर में आतंक मचा रहे हैं। ओह तो वो तू वही है, उस दिन ही मरा तो इतना बोलने लगा, इसलिए तुझे तो मरना है मेरे ही हाथों से था। उस दिन भले ही मैंने तेरी माँ के बदले तुझे छोड़ दिया था, लेकिन आज तू मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा बे। देखते हैं क्या उखाड़ सकता है वे तू मेरा। जानता नहीं है तू मुझे फ्लेम बॉय कि मेरे में कितनी शक्तियां हैं, और उन शक्तियों के बदौलत में तुम जैसे कुत्ते को तो खत्म ही कर सकता हूँ। जानता तो मुझे नहीं है मुझ में कितनी अग्नि है, अगर आजमाना चाहता है तो फिर राजा लड़ मेरे साथ। मर गया यह कुत्ता तो, इसे लगा कि धरती में अभी भी पाप बाकी है, लेकिन हम जैसे पाप को खत्म करने वाले अभी भी प्रकाश के रक्षक है, और जब तक हम लोग हैं ना तब तक हमारा कोई भी बाल पाका नहीं कर सकता है। मैं और कोबरा इस फ्री फायर की रक्षा करेंगे जब तक हम हैं जान।